बिल बढ़ते जाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अक्टूबर में मैं शावर में 6 घर पता चला इब्तदाई कि इन्होंने शेर अफजल नाम के जितने पका ये डिफॉल्टर थे उनके बिल जो है रिटर्निंग अफसर को भेज दिए कि जी ये वो शेर अफजल है और वो मेरे खाते में रिटर्निंग अफसर ने डाल दिए। फिर ज़्यादातर डिस्क्वालिफिकेशन इस बुनियाद पे हैं कि ये आप पे पर्चे हैं, फलां पे पर्चे हैं। कमबख्तो ये पर्चों पे कौन डिस्क्वालीफाई होता है? और पर्चे तो अब हमारी जो है शनाख्त बन चुकी है। पाकिस्तान भर में कौन सा ऐसा पीटीआई का लीडर होगा या वर्कर होगा जिस पे पर्चे नहीं होंगे? ये पर्चे नहीं होते हैं जिस पे डिस्क्वालीफाई होता है। अर्थात कि बंदा अगर सजा भी हो जाए तो जब तक कि मॉरल एप्टीट्यूड का ऑफेंस ना हो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। एफआईआर जो है वो तो आप किलो और मनो के हिसाब से दे रहे हैं और आपने खुद फिर इसी को बेंचमार्क बना दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा न लेने के लिए प्रपोज रखवा किए गए, सेकंड रखवा किए गए, उम्मीदवारों को वहां से उठाया गया टेक्सला से। हमारे कर्नल साहब, कर्नल अजमल साहब को उठा लिया गया और कितने हमारे प्रपोजर सिकंदर उठाए गए, उस्मान डार के भाई को उठा लिया गया। ये इलेक्शन हो रहा है और ये किसकी जिम्मेदारी है? जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बिल्डिंग की, इस अदालत की जिम्मेदारी है। आईन ने इनको ये फराइज दिए हैं, अपने रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, नाइंसाफी जुल्म और जबर करने वाले के हाथ को पकड़ना है। और ये तमाम हाईकोर्ट से इसकी जिम्मेदार है। आर्टिकल 199 ये अख्तियार सिर्फ हाईकोर्ट को देता है। तो क्यों कर इन अदालतों के साए तले पाकिस्तान में ये शैतानियत का रक़्स हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इंसाफ के लिए। बे इंसाफ तो तब होगा जब पहले कानून पे दरामद होगा, या अब इंसाफ न इंसाफ है न कानून है, तवाइफुल मलूकी है। और इतनी बड़ी बड़ी अदालत और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और हम चीख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के ज़ुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और पाकिस्तान अगर इलेक्शन इनका ख्याल था, ये मैं आप इनका ख्याल था, और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये पीटीआई के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ये सारे फैसले अंडू हो जाएंगे, 4-5 है हम में, हमारे तमाम उम्मीदवार वापस आएंगे। जब उम्मीदवार भी होंगे और बेड भी होगा तो हमें खतरा है कि ये लोग इलेक्शन को ताखीर का निशाना बनाएंगे और ताखीर के लिए इस मुल्क में कोई हनहोनी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा पूरी कौम को अलर्ट रहना चाहिए कि अब जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो जिनको लाया गया, उस लाडले को जो पहले कहता था कि मुझे क्यों निकाला और अब कहता फिर रहा है कि मुझे क्यों नहीं, अब वो कहता फिर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ। वज़ीर आज़म दो लोग बनाते हैं, या खुदा बनाता है या अवाम बनाते हैं। इनके इस करतूतों की वजह से खुदा की नज़रों में ये गुमराह है और अवाम के साथ, अवाम का रवैया इसकी पार्टी के साथ और इसके साथ मैदान में जाके देख लें। 2.5 महीने 3 महीने पूरे होने को है, पाकिस्तान भर में एक जलसा तक नहीं कर सका और हम जलसे करना चाहते हैं, हमारे गर्दनों पे इन्होंने खंजर रखे हुए हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कदम है, ये इन अदालतों को नज़र नहीं आ रहा है। मरवत साहब ये बताएं कि आपने सारी अदालतों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है, पिशावर हाई कोर्ट से आपको क्लियर कट इंसाफ मिल रहा है और यूँ लग रहा है कि पिशावर कोर्ट बाकी अदालतों से एक अलग स्टांस लेके खड़ी है, पिशावर हाई कोर्ट को आप कैसे देखते हैं? इंसाफ तब हो, ये मैं आप सबको समझा दूं, पिशावर हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है, इसी की तनख्वाहें लेते हैं, इसीलिए ये मसनद नशीन है।
कोई ग्रेस तो नहीं है अगर मुझे मेरा हक मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तबाही फुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून साथ खड़ी रहती। क्यों करे काई जी की जरूरत होती है, बिला वजह उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 दिन बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का, ये कानून है। जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफ़ा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफ़ा शारिया अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकाम आते आपके, जेल से बाहर निकलते हैं फिर मुल क्यों है? ये पंजाब के आई जी, KP के आई जी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुले गिराई, हर जगह पे मुझ पर पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा भराए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आई जी को कठेरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। अरे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर जहन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल? बड़ी सख्त तंकीद की कि अदालतों में जुल्म हो रहा है, हमारे उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज को भर रहा था, तो उसको उसकी भी आप तंकीद करते हैं और उसकी भी मुखालिफत? जिस दौर में भी, जिस दौर में बहसीयत वकील में ये मेरा ईमान है और हर दौर में हम कड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो, पहली बात। दूसरी बात ये है, वो उस वक़्त भी कानून की हुक्मरानी की कमजोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज भर भर के ला रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफाल को सजाएं भी देता है, जजा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है, मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, कोई मुझे मेरी मिठाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है, तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे मना करता है तो ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, कोई मेरी तफरीक करता है PPP या PMLN और PTI में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आईन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है, तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता? सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करके मुझे उम्मीदवार बना दे। जिस बदबخت रिटर्निंग अफसर ने ये गलत ऑर्डर किया है उसको कठेरे में खड़ा करके सजा देनी चाहिए ताकि लोग इबरत कर। इस्लामाबाद में पुलिस क्या करती रही? एक दफ़ा एक SPIG को इस्लामाबाद में जेल भेज देते, दूसरे सबक सीखे। भाई यही जनाब, अच्छा जी बेल आपको दे देते, वो बेल तो मेरा हक है, किसी का एहसान तो नहीं है मुझ पर। बुनियाद तो आवाम है, आवाम ने इनको मुंह नहीं लगाना है, तो लिहाजा आवाम इनके पास नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। 8 फरवरी इनका योम एहतसाब है और इनके लिए योम क़यामत होगा। ये 8 फरवरी को आवाम को वोट डालें तब देगी जब PTI नहीं होगी, और PTI जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं।
आईन नहीं लिख सकते हैं, ये हमारे हकूक हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 आईन के बुनियादी हकूक का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है, तब तक जो है पीटीआई को कोई बाहर नहीं रख सकता है। मगर साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं, इसी अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि अदालत इंतखाबात में ताखीर की कोई जिक्र ना करे, अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करे, तो ये आप इन अहकाम की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होके? हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की भी बदतरीन हमारी देखी है, ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पामाल हुआ, क्या हुआ, न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवाती सुनाई गई, गालियां दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जरूरत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नियम लेके ये जनाब अर्दा सराइया करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाज या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में कड़ा करना चाहिए। उस वक्त बांदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में कड़ा करते, तवीन अदालत में ये सिलसिला काम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी, अदलिया की बेरुखगिरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्र की लकीर है, वो हम गवा रहे हैं, हम इस पत्र पे बनाई गई लकीर 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं, अल्लाह करे ये पत्र की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न सुन। साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ जो रहनुमा हैं, आरोज ने बड़ी शफकत भी की है उनके साथ, बाबर अवान हैं, लतीफ़ खोसा के कागजात मंजूर हुए हैं, इसके अलावा उमर अयूब हैं, तो उनके लिए कोई तारीफी कलमात कहेंगे? जी, जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजाती नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है, वो जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अवान, लतीफ़ कोसा या बहुत सारे ये बड़े चोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना, मेरा जवाब उन्होंने दिया है। और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उस आरोप को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक है, कोई जवाब बनेगा उसके जहन में, मैं ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है, उस में कभी और आरओ के मिली भगत के साथ है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, थैंक यू। उमर अयूब साहब वकील नहीं है।